फाइनली गाइस लेके आया हूँ आप सबके लिए Xiaomi एंड Poco डिवाइस के ऊपर टॉप 3 प्रीमियम थीम, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है 2023 में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये है हमारे लिस्ट के फर्स्ट थीम। इस थीम में आप लोग को काफ़ी अच्छी सी होम स्क्रीन में क्लॉक विजिट एंड वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप आइकन्स पैक देखते हो इस थीम में तो उतना ज़्यादा खास नहीं है, आप लोग को डिफ़ॉल्ट की तरह ही आइकन्स पैक देखने के लिए मिल जाती है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इस थीम में जेस्टर बटन, तो यहाँ पे जेस्टर बटन की कलर को कम्प्लीटली चेंज कर देता है ये थीम। एंड गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इस थीम की सेटिंग्स ऐप की यूआई की, तो देखो सेटिंग्स ऐप में आप लोग को फुल बैकग्राउंड जो है उसमें आप लोग को येलो कलर देखने के लिए मिल जाएगी बैकग्राउंड कलर। एंड गाइस यहाँ पे मेन हाइलाइटेड फीचर की मैं बात करूँ तो इस थीम की है लॉक स्क्रीन। जो यहाँ पे लॉक स्क्रीन है ना, और भी थीमों से काफ़ी डिफरेंट है गाइस। यहाँ पे एरो के ऊपर टैप करना है आप लोग को, एंड यहाँ पे ब्लूटूथ वाईफाई मोबाइल डेटा वगैरह यहाँ से आप सिंपली वन टैप में इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और कुछ एप्लीकेशन भी है जो यहाँ से सिंपली एक्सेस कर सकते हो वन टैप में। तो यहाँ पे मैं बात करूँ और भी फीचर की, तो डबल टैप करोगे स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पे आप लोग को वॉलपेपर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग को एग्जिट हो जाना है एरो के ऊपर से। राइट साइड से अगर आप स्लाइड राइट करते हो तो यहाँ पे आप लोग को म्यूजिक प्लेयर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो यहाँ से डायरेक्ट आप म्यूजिक प्ले करके सुन भी सकते हो। तो काफी अच्छी शॉर्टकट आप लोग को इसकी लॉक स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाती है। तो फाइनली मैं बात कर लेता हूँ अपने लिस्ट के सेकेंड थीम की। उससे पहले गाइस मैं यहाँ पे जितने भी आप लोग को थीम सजेस्ट कर रहा हूँ सारे थीम्स का नेम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन। और राइट गाइस ये है हमारे लिस्ट के सेकेंड थीम। यहाँ पे आइकन्स पैक कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है। बात कर लेते हैं इस थीम की सेटिंग्स ऐप की यूआई की, तो देखो सेम वॉलपेपर आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है सेटिंग्स ऐप में। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो जेस्टर बटन को, तो जेस्टर बटन की जो कलर है वो पूरी तरीके से व्हाइट में देखने के लिए मिल जाएगी। एंड कंट्रोल सेंटर की मैं बात करूँ तो कंट्रोल सेंटर में भी सेम वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो टॉगल्स है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है और भी थीमों से, काफी अच्छी लगती है वैसे कंट्रोल सेंटर। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन में देखोगे आप लोग तो काफी सारे शॉर्टकट यहां पे ऐड कर दिया गया है, और यहां पे एक चीज देखोगे तो आप लोग को यहां पे 3D में देखने के लिए मिल जाती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एंड जो इसमें हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है उसकी है लॉक स्क्रीन की क्लॉक विजिट। यहाँ पे क्लॉक विजिट में आप लोग को अलग ही एनिमेशन देखने के लिए मिलता है, चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर देता है ये थीम। तो गाइस काफ़ी अच्छी थीम है, जरूर से ट्राई करिएगा। तो फटाफट से मैं अपने लिस्ट के लास्ट थीम को कर लेता हूँ अप्लाई। ऑल राइट गाइस ये है हमारे लिस्ट के लास्ट थीम। ये थीम आप लोग को iOS से इंस्पायर्ड देखने के लिए मिल जाता है। लाइक आप देख सकते हो इसकी आइकन्स पैक एंड इसकी जो होम स्क्रीन की वॉलपेपर है वो भी आप लोग को iOS वाला ही ऐड किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग्स ऐप की, तो देखो इस थीम में आप लोग को सेटिंग्स ऐप डिफॉल्ट की तरह देखने के लिए मिल जाती है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को देखते हो तो कंट्रोल सेंटर में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलता है, लाइक टॉगल को इनेबल डिसेबल करते हो तो उसकी कलर भी चेंज हो जाती है। तो मैं बात करूं अगर इस थीम की लॉक स्क्रीन की, तो देखो लॉक स्क्रीन भी आप लोग को iOS की तरह ही देखने के लिए मिल जाती है इस थीम में। यहाँ पे लॉक स्क्रीन में सेकेंड स्क्रीन पे आते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट देखने के लिए मिल जाती है। एंड गाइस ये थीम आप अप्लाई करते हो तो काफी फास्ट हो जाती है आपकी UI, यहाँ पे काफी स्मूथ आप लोग को UI देखने के लिए मिल जाती है। मैं बात करूं अगर इस थीम की चार्जिंग एनिमेशन की गाइस, तो देखो चार्जिंग एनिमेशन भी आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, लाइक iOS की तरह ही देखने के लिए मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी सी थीम है। सबसे अच्छी थीम आप लोग को कौन सी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।